हेलो एंड वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूँ अहमद नकवी, मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन। एंड एक ऐसी किस्त जिसकी हमें बेतहाशा दरख्वास्त आई कि प्लीज इस मौजू को आप कवर कीजिए, एंड राइटफुली सो। अ वेरी वेरी इनक्रेडिबल मोमेंट जिसको आई बी ऑनेस्ट समझने में काफी वक्त लगा मुझे। मैं बात कर रहा हूँ अरशद नदीम की ओलंपिक गोल्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड गोल्ड मेडल विनिंग जैवलिन थ्रो का। दैट उस्मान राइटफुली पॉइंटेड आउट, अगर हमारा शो का जो नाम किसी भी लम्हे या स्पोर्ट के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ऑफकोर्स इट इज व्हाट अरशद नदीम डिड। उस्मान, आई लेट यू टेक इट अवे, बिकॉज आई थिंक जब ये हुआ था तो उसी वक्त से यू वर सेइंग दैट ये पाकिस्तान की तारीख में, एटलीस्ट स्पोर्टिंग हिस्ट्री में, greatest moment ever, and then you went on to write about it as well. So take it away. Like, you know, I like to think ki humne is show ka naam isi ek lamhe ke liye choose kara tha ki kisi na kisi din Arshad Nadeem javelin gold jeetega aur fir hum log kahenge ki tell just butta fast. Uska acha agar side se dekho to there's a couple of pictures where he looks like quite like Shoaib Akhtar, but maybe less bend then Shoaib Akhtar and Jasprit Bumrah. You know what, it hit me. Ek to aapko, you know, jaise hi wo moment hota hai na, humne sab dekha. Like I think hum log 4-5 log jo the live dekh rahe the aur uski show dekhi aur usi waqt sabki yaane phat gayi ki ye kya hua hai, oh damn, like ye kya scene hua hai, idhar ye kis tarah ki throw, because it was the longest he had thrown it was the furthest he had thrown it. Battered the Olympic, yeah, Olympic record इससे पहले 90 मीटर था, 90.28 meters. This guy went 92.97, like almost 3 meters beyond the Olympic record. And the Olympic record, you know, had been there since 2008. Modern era javelin में it's still some way short of Jan Zalesny's record. लेकिन जब इसने करा ना, वो मुझे instant लगा कि यार ये एक बहुत ही great moment है when he won it. और फिर आप एक दिन बाद सोचते हो, फिर तुमसे भी बात करी थोड़ी और फिर और लोगों से भी बात करी ऐसे ही, और फिर एक दिन बाद कभी कभी इट वेयर्स ऑफ एंड यू स्टार्ट फीलिंग लाइक रियल अबाउट कि अच्छा हाँ, कल रात में बहुत ज्यादा मुझे चढ़ गई थी इसकी एक्साइटमेंट और मुझे लगा कि ग्रेटेस्ट मोमेंट, बट द नेक्स्ट डे इट एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग इवन ग्रेटर टू मी एंड आई वाज लाइक कि यार ये बहुत ही कोई बड़ा सीन हुआ. एंड यू नो व्हाट, एक चीज जो इसकी सबसे बड़ी चीज जो है, विच इज आई थिंक समथिंग दैट You will also connect with, you know, हर मुल्क की जो एक timeline होती है ना, उसमें एक moments आते हैं उस timeline में. I don't want to say कि development की timeline में, मगर ऐसी एक natural timeline होती है मुल्कों की. उसमें आता है कि भाई आपकी जब music breakthrough कर जाती है, एक ही गाना कोई breakthrough कर जाता है global stage पे, आपकी कोई film, आपकी कोई किताब, you know, something cultural, something kind of that straddles culture and sports, वो एक breakthrough करता है at a global stage and it's like a marker. आपकी मुल्क की तारीख में एक timeline पे ये एक moment आता है कि अच्छा 2024 में ये हुआ. A gold medal, a first individual gold medal for Pakistan at the Olympics is that moment. You know, इस Olympics में Saint Lucia को अपने पहले gold medals मिले हैं sprinting में, उनके लिए भी full party थी. I think Botswana में जो gold medal जीता था, अगले दिन हमारी Firdaus Munda मुझे बता रही थी क्रिक इन्फो की जो है कि बोट्सवाना में नेशनल हॉलीडे हो गया था, अगले दिन वाज लाइक अ पब्लिक हॉलीडे फॉर इट. आई एम सरप्राइज्ड कि इस गवर्नमेंट में पाकिस्तान ने इसके अगले दिन छुट्टी, कौमी एक पब्लिक छुट्टी नहीं करी. बट यू नो, सो द फर्स्ट थिंग वाज कि इन द टाइमलाइन ऑफ अवर नेशन यू विल नाउ ऑलवेज फॉरएवर नो यार पाकिस्तान का फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल वाज वन बाय अरशद नदीम 2024. ये आपकी हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ आएगा, यू नो, सो दैट इज इंस्टेंट मार्कर ऑफ इट्स ग्रेटनेस. हम लोग बात करेंगे, हम लोग अपने बच्चों को बताएंगे, हमारे बच्चे उनके बच्चों को बताएंगे, लोग टेक्स्ट बुक्स में पढ़ेंगे, इसके बारे में फिल्में शायद बन जाएं, गाने लिखे जाएंगे, यू नो, सो दैट इंस्टेंटली पुट्स इट इन द ग्रेट थिंग. द अदर रीजंस फॉर इट्स ग्रेटनेस, वो मैंने लिखा भी था, वो यही था कि यू नो, ये इसकी आई कुडंट थिंक ऑफ एन एनालॉजी ऑफ हाउ आउटलैंडिश इट इज व्हाट ही हैज डन एक्सेप्ट फॉर व्हाट ही हैड डन. So, you know, Arshad Nadeem winning a javelin gold for Pakistan at the Olympics is as crazy as
anyone winning a javelin gold for Pakistan in the Olympics. There's nothing crazier than that. You know, ek aisa sport जो कि आपकी आई वुड कॉन्फिडेंटली से 80-90% पॉपुलेशन को पता भी नहीं होगा कि ये है क्या और क्या होता है ये. यू नो, पत्थर सभी फेंकते हैं, कंकर सब मारते हैं, लेकिन जैवलिन की एक अलग अपील है. ऑल्दो इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स, सो फॉर हिम टू डू इट इन अ कंट्री विच हैज एब्सोल्युटली जीरो लेगेसी, जीरो ट्रेडिशन ऑफ जैवलिन, लेट अलोन एथलेटिक्स ऑफ एनी काइंड, एंड यू नो, एंड वी विल टॉक अबाउट दिस, गोइंग अप अगेंस्ट द काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स दैट वर इन हिज वे. It's got to be like immediately. The more I thought about it, the more reason I saw for it to be the greatest feat by a Pakistani sporting driver. Jahangir Khan ki hum baat karenge, I'm sure, his 5-5-5 winning streak and all. Lekin as a single moment for an individual, single occasion, single moment, I honestly cannot think of cricket. To वैसे ही चढ़ हम लोग चिढ़ गए ना cricket से कि यार बस हो गया, बहुत हो गया cricket यार, बकवास हो गई है, छोड़ो. But as a single great moment of individual kind of sporting achievement in Pakistan, isse better, I really cannot, like, I struggle to justify something better than this. So I think ye jo sawal uthta hai, right, ki isko aap kis tarike se samjhe, and I think you said it really beautifully ke it is the analogy, iska koi precedence hi nahi hai jiski taraf aap mud sake ke jab squash dekh le ya hockey dekh le या इवन स्नूकर देख लें, क्रिकेट के अलावा और खेल जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है, इवन टू सम एक्सटेंट लार्जली एट एन एमेचर लेवल बट स्टिल वी हैड सम सक्सेस एट एन एशियन लेवल एटसेट्रा, उन सब में एक 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 ट्रेडिशन चलती आ रही है जिसको यू नो कोई ना कोई तो उस्ताद था जिससे आप सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं. जैवलिन में यू नो ऑब्वियसली एक ऐसी चीज है जो हिस्टोरिकल किताबों और इवन मजहबी टेक्स्ट में नेज़ों का जिक्र होता है, सो इट्स सो एंशिएंट. तो आई थिंक एक अंदाजा है लोगों को, मगर जैसे मैं यही सोच रहा था कि मैं जिस तरीके से स्पोर्ट्स को समझता हूँ, राइट, एंड एज समबडी हू इज नॉट एवर प्लेड एनीथिंग और बीन गुड एट प्लेइंग एनी स्पोर्ट, कि उसकी एक सोशल मीनिंग क्या है. यू नो, मतलब कि हम लोग उसको यू नो गेस देयर पीपल हु वॉच स्पोर्ट्स बिकॉज दे लाइक टू सी that level of athleticism and just the skill, magar zyadatar log aur khas taur pe matlab you know is lamhe mein bhi like no one really knows anything about javelin, so you know matlab main ek cheez soch raha tha ki jab wo phekte the I couldn't really tell if this is a good throw or a bad throw because maine dekhi nahi itni javelin ke main samajh saku, magar ye logon ko to uska koi context aapko nahi samajh aa raha Pakistan ke andar, that's not part of it that makes it so incredible. But also to me was like, how do, if it is so unprecedented, agar uski koi logon ko maine samajh nahi aa rahe, to then how do you rank its greatness? And to me, I think what I really loved, वैसे ही इसकी कहानी बहुत incredible है कि ये मियां चन्नू से आया है, working class background से, but at least 21वीं सदी में पाकिस्तान में अगर कोई भी athlete है, you know, I would say, I guess, with the exception of maybe Esam ul Haq and one or two other people like that, sare log bahut incredible, you know, odds ke khilaf yahan tak pahunchte hain. Aur wahi meri baat ho rahi thi ki bhai, not to take anything away from Ashwin's team, but you know, jo women cricketers hai misal ke taur pe, unka national level tak aana is, you know, is equally unlikely, if not more unlikely. Wo bhi chote shaharon se aa rahe hain, chote backgrounds se, etc. But क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स में, खासतौर पे क्रिकेट पे, आपको तब भी इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि यू कैन रिलेट टू देम. यू नो, अरशद नदीम पे थोड़ी बहुत हमारे पास एक आइडिया था. आबिद हुसैन डिड इट फॉर अल जज़ीरा, जो काफी लोगों ने जिसको बाद में कोट किया था कि व्हेन ही टॉक्ड अबाउट आई एम कम्पीटिंग अगेंस्ट माईसेल्फ, दैट वाज वन ऑफ दोस प्राइमरी टेक्स्ट पीपल वर यूजिंग, बट ज्यादा इसके बारे में इतना यही एक क्लीशे पता था. So for me, what was really beautiful was the folksiness that emerged out of his story. Like, sabse pehle jo just Mia Channu ke andar se jo videos aa rahi thi, jis tarike se log celebrate kar rahe the, was, I think, any time I see that in any sport, it melts my heart. Ke, you know, ek chote gaon ke, well, Mia Channu gaon nahi hai, ek chote shahar ke log, ek jagah pe unhone screen lagai hui hai, raat ke waqt wo dekh rahe hain, narebazi ho rahi hai, people are like, crying with joy, incredible. जिस तरीके से उसकी रिसेप्शन होती है जब वो लाहौर एयरपोर्ट आता है,
एंड देन ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा वायरल चीज गई है कि उसकी माँ और नीरज चोपड़ा की माँ जिस तरीके से अपने बेटों के बारे में और अपने बेटों के अपोनेंट्स के बारे में बात करती है, देयर इज सो मच लव, देयर इज सो मच ऑफ लाइक दैट, इट्स वेरी विजिबल शेयर्ड साउथ एशियन कल्चर, जो एक बहुत बड़ा फेटिश है कि बहुत सारे हम जैसे साउथ एशियंस के लिए कि ये देखो हमारा सिंक्रेटिक कल्चर और यू नो पार्टीशन से पहले ब्ला 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 ब्ला, दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल एग्जांपल्स ऑफ इट. एंड देन आई थिंक समथिंग जो जो काफी कंट्रोवर्शियल भी हो गया था, जो टिडी ने स्पेसिस पे यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि उसने 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स भी पॉइंट आउट कर दिया था कि अर्शद नदीम जो है थ्रो करने से पहले याली मदद कहता है. एंड इस पे मैं सोच रहा था, एंड आई यू नो इसके ऊपर बात करना बहुत मुश्किल है इन अ वे दैट्स नॉट वेरी टीडियस एंड डेंजरस. जो आई वांटेड टू अवॉइड ऑल ऑफ दैट, मैं सोच रहा था कि मेरे लिए इस फ्रेज की क्या मतलब है, राइट? एंड लाइक द फर्स्ट थिंग आई रिमेम्बर्ड वाज माय मामू हैड अ सुजुकी कैरियर, जो बोलान का प्रीकर्सर था, उसको हम लोग जग जग कहते थे. थोड़ी खस्ते हालात थे उसके, और उसमें मतलब हम कहीं जा रहे हैं एकदम से गड्ढा आया है, गाड़ी देवी और नानी नानी प्राइमरली चीफ याली मदद, और लाइक के घर में कोई चीज टूटती है अम्मी की आवाज आती याली मदद, लाइक यू नो द दैट्स माय इमीडिएट रिएक्शन ऑफ इट, कि घर में खास तौर पे जो औरतें हमारे हैं वो इसको ये माइनर एंड मिसहैप्स एंड एक्सीडेंट्स के लिए. आई थिंक द अदर थिंग आई थॉट अबाउट वाज आल्सो कि जब यू नो जब अक्सर जुलूस पे जब ऊंचे वाले बड़े आलम उठा रहे होते हैं, व्हिच रिक्वायर लाइक मल्टीपल पीपल टू गेट अप, एंड देन लाइक एज इट्स गोइंग अप लाइक द होल क्राउड याली बता दी है, लाइक अगर वो गिरने लगता है तो देयर श्रीकिंग याली मदद इंस्टेड ऑफ लाइक कॉन्फिडेंट वंस. बट इट वॉज समथिंग के जो कुछ भी यू नो आई डोंट वॉन्ट टू गेट ऑल एकेडमिक अबाउट इट, बट हिम सेइंग दैट वॉज अ वे ऑफ फॉर मी कनेक्टिंग टू यू नो मतलब माई नानी. एनी टाइम एन एथलीट इज रिलेटेबल इनफ एट अ लेवल दैट यू रिमाइंडेड ऑफ योर नानी, दैट्स फोकस, राइट? लाइक दैट्स अ प्योर फोक हीरो काइंड ऑफ चार्म. और इट्स एडेड टू द फैक्ट कि वो अभी भी मियाँ जंगलू में रहता है, यू नो लाइक इट्स नॉट ही हैज बीन रेडी एक्सपोज टू द वर्ल्ड ऑफ एंडोर्समेंट्स एंड अपॉर्चुनिस्ट एंड चांसेस पिछले 2-3 साल से, जो यू नो एक फायदा यह हुआ कि थोड़े बहुत उसके पास बैकिंग थी, नथिंग कंपेयर टू लेट अलोन हिज मेन कंपेटिटर नीरज चोपड़ा, बट मोस्ट ऑफ द एथलीट्स आउट देयर, बट स्टिल थोड़ा बहुत था. एंड आई बिन अगेन रियली इम्प्रेस्ड कि इस सारे वक्त में पिछले 4-5 साल पे कि पीएसएल में हमारे हीरोज में आ रहा है या यूफोन के एड में आ रहा है या फलाने में आ रहा है, इट हैजंट सीम टू फंडामेंटली चेंज लाइक हाउ पब्लिकली जिस तरीके से हम वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है. एंड दैट इन इट सेल्फ आई थिंक इज रियली इनक्रेडिबल, राइट? क्योंकि अगर जिस तरीके से बात हो रही है कि इतनी अनप्रेसिडेंट चीज है, आई थिंक दैट इज रियली द फैक्ट कि जो मीडिया रिएक्शन भी होती है हर दफा वो भी विद नो राइम और रीजन फट रही होती है, और उस सब को हैंडल करना इज इनक्रेडिबल. एंड देन द लास्ट थिंग विच अर्शद नदीम इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर बट इट्स ब्रॉट सो मच जॉय टू पाकिस्तान इज अनदर गोल्ड मेडल एफर्ट वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में, जो शहबाज शरीफ के साथ बैठे थे. एंड दिस सर आपका विजन है सर आपका, Yeah, लाइक you know what really annoyed me about that आई clip? जस्ट Yeah, आई'm जस्ट okay. गोना से यू कैन टेक इट ओवर के आई फील प्रीवियस रिकॉर्ड अहमद शहजाद का होता था, फास्टेस्ट टू कंग्रेचुलेट पीपल फॉर देयर अचीवमेंट. He's there. दिस गाय ब्रोक, दिस गाय डिस्ट्रॉयड इट, राइट? इट वाज लाइक वाचिंग यूसेन बोल्ट, लाइक इट वाज जस्ट सीइंग समवन सो अहेड ऑफ देयर गेम. बट या Yeah, it so that was like it was a perfect shitty clip, right? The perfect shitty clip, right? Of like people just fucking, I don't want to, yeah, I don't want to swear, but you know, people jumping on the bandwagon. This is it. Like this is how you do it. But उसमें जो एक जो perfection होनी थी ना उस clip की, वो ये होनी थी कि वो जो बंदा था, I think he's a minister, right? Or he's an MP. I forget the name who was sitting and jumps up. He had to say, "Sir, ये आपकी VN है." Not vision. He said vision. And it really annoyed me because it would have been perfect if he had said, "Sir, ये आपकी VN है. ये आपकी बिल्कुल आपकी VN है."
मैयर आपका है, आपका मैयर ऑफ ग्रेटनेस आपकी है ये, यू नो दैट रियली लाइक इट वाज लाइक मैन दिस कुड हैव बीन सो परफेक्ट एक्सेप्ट इंसटेड इट्स लाइक 92.97 एंड नॉट लाइक 100 ओवर. बट सो दैट इज गोना बी लाइक वन ऑफ द मेजर पिटफॉल्स. एंड आई वांट टू जस्ट लाइक आई जस्ट वांट टू टॉक लाइक अ लिटिल बिट, टेक दिस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस सेगवे, यू नो, इसके बाद से कुछ उसकी फीट के बाद से कुछ जर्नलिस्टों ने डॉक्यूमेंट रिलीज करी लाइक अ टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के, नहीं नहीं आप लोग गालियां बक रहे हैं गवर्नमेंट को, हम गवर्नमेंट ने इतने पैसे दिए हैं नदीम अरशद नदीम को पिछले 5 साल में, तो 5 साल में एनी वे दैट इनकॉर्पोरेटिंग टू गवर्नमेंट्स, यू नो, वन आर्च एनिमी वन सुपर विलन और व्हाटएवर. और उसमें 2 साल बीच में पैंडेमिक में कोई पैसे नहीं मिले थे, सो दे ब्रोक इट डाउन इनटू लाइक, यू नो, ओवर 5 years ही इज बीन पेड दिस मच, सो लुक आवर गवर्नमेंट इज डूइंग स्टफ. सो 2 years ही वाजंट पेड एनीथिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक, व्हिच इज नॉट लाइक जेवलिन डाइड इन द पैंडेमिक, ही वाज स्टिल हैविंग टू ट्रेन एंड डू स्टफ इन द पैंडेमिक. उसे 5 साल में गवर्नमेंट ने जो ग्रांट्स दिए हैं वो तकरीबन आई थिंक 23 मिलियन रुपीज मिले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम लगती है. एंड ऑब्वियसली इन मेनी वेज पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स में बी पीपल से कि हाँ बड़ी रकम है, लेकिन एक थोड़ा सा इसका ब्रेक डाउन टू दैट वर्क्स आउट अबाउट 40 लाख अ ईयर, विच ही डिडंट गेट 40 लाख अ ईयर. ओके, फॉर अ स्टार्ट ही डिडंट गेट इट एवरी ईयर, उसे हर साल नहीं मिल रहे थे इतने पैसे. उसमें से इसकी 2 सर्जरी आई थिंक हुई हैं, 2 प्रीटी मेजर सर्जरी हुई हैं, बाहरी जाके सर्जरी हुई है, तो उसमें जो वो दैट्स इंक्लूडेड, ये जो ग्रांट्स गवर्नमेंट से मिले हैं वो दैट्स कवरिंग द सर्जरी, तो उसके सर्जरी के ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे नहीं है. दिस इज लाइक वी गिवन यू मनी फॉर सर्जरी, वी आर इंक्लूडिंग इट इन वॉट वी आर गिविंग यू, एंड लुक एट हाउ अमेजिंग वी आर इन गिविंग यू दिस मच. द अदर थिंग इज 40 लाख अ ईयर, इट इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप अगर टॉप क्लास एथलीट हो, जो कि अब उसने प्रूव कर दिया है इनडिस्प्यूटेबली दैट ही इज अ टॉप क्लास एथलीट, ही इज द बेस्ट गॉड डैम जैवलिन थ्रोअर इन द वर्ल्ड, यू नो, अ पाकिस्तानी, उसे आप 40 लाख साल के मिल रहे थे ऑन एवरेज. आई जस्ट वॉन्ट टू कंपेयर इट फॉर 1 सेकेंड टू नीरज चोपड़ा, हु अर्न्स अबाउट दैट मच अ मंथ फ्रॉम इंडोर्समेंट्स एंड एंड यू नो वेरियस अदर लाइक फ्रॉम वेरियस अदर गवर्नमेंट ग्रांट्स फ्रॉम हिज विनिंग्स एट टूर्नामेंट्स फ्रॉम हिज अपीयरेंसेस एंड स्टफ. एंड इट्स जस्ट एंड दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन रुपीज नाउ, सो दैट यू नो एनीवे दैट करेंसी इज टोटली डिफरेंट. एंड आई जस्ट ये जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे थ्रू गवर्नमेंट, वेल नॉट गवर्नमेंट स्पोक्स पीपल बट लाइक जर्नलिस्ट एंड ऑल, लानत है इन सब डॉक्यूमेंट्स पे, बिकॉज आप ये एक बेसिक AF काम कर रहे हैं जिंदगी में. आपको काम क्या करना है, आपको एक एथलीट को पैसे देने हैं, ये कोई आपने बहुत बड़ी तोप नहीं मारी है, कुछ नहीं आपने करा है, आपने बेसिक बेसिक जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो आपने अरशद नदीम के साथ करी है, और अब आप खुश हो रहे हैं और वो खड़े होके कह रहे हैं ये आपकी VN है, ये आपकी VN है, ये नहीं है 1 घंटा, ये कुछ है, आपने उसे कुछ नहीं करा है, आपने उसके लिए कुछ आसानी नहीं उसके सामने डाली है, यू हैव मेड इट और ही हैज मेड इट कंप्लीटली ऑन हिज ओन स्टीम, ऑन हिज ओन टैलेंट, विच इज द रिमार्केबल थिंग अबाउट दिस. यू नो आप देखो इवन इंडिया में भी, आई वॉज ऑन अ शो द अदर डे विद एन इंडियन जर्नलिस्ट, वेटरन इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता, एंड ही वाज सेइंग, यू नो, कि एक्चुअली इंडिया में पिछले 10 साल से हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं फॉर ओलंपिक डिसिप्लिन, एंड दिस टाइम द इंडियंस आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज उनको, यू नो, गोल्ड मेडल नहीं मिला है, उन्हें और भी मेडल्स और डिसिप्लिन में मेडल्स, बैडमिंटन में एक भी मेडल नहीं मिला उन्हें, एंड देयर लाइक यार ये तो बकवास हुई है, हमने इन्वेस्ट करा है, ये क्यों नहीं हुआ है, यू नो, देयर एट दैट लेवल ऑफ द रेवोल्यूशन. उस तरह का कुछ नहीं होता है पाकिस्तान में. पाकिस्तान में आपकी 4-5 मेजर फेडरेशन जो हैं वो एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं, वो एक हकीकी फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है हर फेडरेशन में, एथलेटिक्स हो, ओलंपिक्स इटसेल्फ हो, हर इंस्टीट्यूशन इस तरह का, वी नो हु इट्स बींग रन बाय, यू नो, कौन सा इदारा चलाता है ये सब, एन इदारा दैट वॉज रिजेक्टेड बाय अरशद नदीम व्हेन व्हेन दे केम कॉलिंग एंड सेड कि हम आपकी ट्रेनिंग करते हैं. उन्होंने कहा नहीं, आप घंटा हमें छोड़ के चले जाएं, हम अपनी ट्रेनिंग करेंगे, हमें आता है, वी नो आर क्रैप, यू डोंट नीड टू टेल अस एनीथिंग. सो यू नो द ऑब्स्टिकल्स दैट ही हैज कम अगेंस्ट, एंड नाउ दिस काइंड ऑफ बैंड वैगन जंपर्स, शहबाज शरीफ और अभी हजार और आएंगे, अभी हजार हजार लाखों और आएंगे जो कहेंगे अच्छा मैंने ये करा था अरशद नदीम, मैंने एक दिन उसका हाथ चूमा था, एक दिन मैंने हाथ मिलाया था, अब जाके देखो क्या ये तो चीज बन गया. नो, he's done it on his own steam, he's done it by himself with the help of his coaches and his mentors and his family, you know, he was very fortunate to have brothers who were working and who were getting like, you know, who were getting salaries to make a living for the family,
he was lucky. Vabda helped him out by giving him like a salary. These are all basic things, you know, that you would expect as a given to any athlete in any other part of the world. But it's fortunate for him. I just want to, मतलब ना फिर से मैं इस बात को what you just said इसका थोड़ा सा context देना चाह रहा हूँ, because just to underline how important this is, right? ये आपके पास ये एक तो जो ये as you said काफी journalists ने ये बात करना शुरू की कि नहीं actually हुकूमत ने इसकी बड़ी मदद की है. One of those posts मैं Facebook पे भी पढ़ रहा था और उसकी फैक्ट चेकिंग को सलूट है, ऐसी चीजें लिखी थी कि 2016 में चाइना के शहर हो ची मिन सिटी में मुनक्किद किए गए. Maybe not China, bro. You know, and then it ended. My favorite part of it was ke, or you know, ke, it was written in this style ke log bada kehte hain ke ghurbat se uth ke aa gaya aur kuch nahi tha aur he had actually so much support. To he's like ke zati taur pe bhi ab wo Mia Channu ke ameer ilaqe falana. You're going to use Mia Channu burgerness as a cudgel to beat Arshad Nadeem. Bro, but दूसरी तरफ ये है कि यही पाकिस्तान में जो आपके पास you know non kind of functional jobs होती हैं creative fields में sporting fields हैं उसमें लोगों के पास यही होता है कि आधे time वो ये भाग रहे होते हैं कि अच्छा जैसे कहने ना कि वापदा ने मदद की. Yes, that's amazing. But that means के आप किसी की सिफारिश कराएंगे, फिर आप वेट करेंगे, आपकी मीटिंग होगी, आप उनसे अच्छी रखेंगे, आप उनको ईद मुबारक के मैसेज भेजेंगे, तो जाके कहीं ना कहीं हाँ वो आ रहे हैं. रिलेटेडली उस्मान और मैं खुद एक ऐसी रोज एक व्हाट्सएप ग्रुप में है जहाँ हम हर हफ्ते वॉइस नोट भेजते हैं और हमें अश्योर किया जाता है कि पेमेंट आ रही है. तो ये एक बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस है. एंड आई फील एक चीज दैट हिट्स मी अगेन एंड अगेन, पैसों की अगर बात करें, मैं बहुत दफा ऐसी गिग्स में होता हूँ जहाँ आपको पता चल जाता है कि यार पैसे टाइम पे नहीं आएंगे और जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपकी सुनेगा नहीं और जो आप करना चाह रहे हैं वो होगा. एंड यू नो यू स्टार्ट चेकिंग आउट ऑफ वर्क, राइट? लाइक यू डू द बेयर मिनिमम एटसेट्रा. एथलीट के पास कभी भी ये ऑप्शन नहीं होती है टू शो एंड यू नो लाइक या मे बी दिल गिव लाइक अ हाफ मे बी नॉट फुल एफर्ट एंड दे कुड एंड अप इंजरिंग देमसेल्व्स एंड रूइनिंग देयर करियर. मतलब कि उनकी मार्जिन कुछ भी नहीं होती. तो वही जो वॉचेस हैं कि जब पेंडेमिक चल रहा है या एक वापदा ने 6 महीने दिया फिर सर्जरी हो गई तो कहीं और भागना पड़ा, फिर आपका कोई निजाम नहीं है, कोई ऐसा यू नो देयर इज नॉट इवन एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग एन एथलेटिक्स और लाइक यू नो बिल्डिंग वेयर लाइक अरशद कैन रीहैब और जस्ट गो चिल आउट एंड हैव अ चाय व्हेन ही इज यू नो ऑफ सीजन और व्हाटएवर. मतलब इतना कुछ आपके पास नहीं है. तो वो कि अगर कोई रैंडमली आपको 1 करोड़ रुपए भी पकड़ा दे, 1 करोड़ which for in Pakistani terms is huge, but as an international athlete, uski koi value nahi hai. Aur khas taur pe uski value us tarike mein nahi hai ki abhi to ye 1 crore theek hai, aapne 2-3 mahine top level kar li, phir aap kya karenge? Ya to is 1 crore ko 2 saal chalaye ya isse 2 mahine chalaye to theek hai, aap 2 mahine ke liye Neeraj ke barabar honge aur phir. So that way, like, and I feel that's what I was thinking about, ki, you know, as journalists, हम जो भी चीजें कवर कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म गिव्स यू दैट लीवे के यू कैन टॉक अबाउट लाइक हैप्पी थिंग्स एज वेल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कवरिंग दुनिया में जो भी मनहूस चीजें हो रही होती हैं और उसी में आप अक्सर यू नो इट्स वेरी हार्ड टू कीप इन माइंड ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स दैट हैपन इन लाइफ, बट ऑल्सो दैट एट द सेम टाइम वंस यू आर अवेयर ऑफ ऑल द डेंजर्स दैट लाइफ हैज टू ऑफर, तो फिर आपको वो एक यू नो प्रोबेबिलिटी चार्ट बना लेते हैं कि अच्छा ये नहीं करो वरना मर जाओगे, ये नहीं खाओ वरना बीमारी हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा. एंड ऐसा भी है कि भाई किसी ने पूरी जिंदगी 3 मील्स मैकडोनल्ड खाया उससे कोई बीमारी नहीं हुई, लाइक यू नो दिस लाइफ हैज दिस लाइक 0.0001% चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग जो रैशनल वर्ल्ड में आप डिसरिगार्ड कर देते हैं. व्हेन यू आर जर्नलिस्ट एंड यू आर ट्राइंग टू गेट फैक्ट्स एंड नैरेटिव्स एंड स्टोरीज ऑल कोहेरेंट, यू नो यू डिसमिस दीज फ्रिंजेस because they're so outlandish. That is the crazy thing with this story, right? Ke once you start like what you and I know as journalists in Pakistan, ki haan, organizations kaisi hain, support kaisa hai, economics of this decision kya hai, you know, even now, Arshad Nadeem ka career is not secure in any sense. No, not at all.
जब आप ये सारी चीजें वे करते हैं एज अ जर्नलिस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ दिस, इट्स ओवरवेलमिंग कि जस्ट द ऑड्स ऑफ व्हाट ही इज कमिंग अगेंस्ट. मैं किसी को कहता कि मतलब याली मदद ही अकेली एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज नथिंग एल्स कैन एक्सप्लेन इट. लाइक यू नो या वही है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, यू एज यू राइटली सेड, ही माइट बी द लास्ट ऑफ हिज काइंड. माइट, देयर आर सो मेनी लिटिल बिकॉज़ थिंग्स दैट हैव टू गो राइट. हम दोनों को मालूम है किस तरह से ये चीजें होती हैं. एंड अभी वापडा की हम लोग बात कर रहे हैं दैट ही गॉट दैट जॉब, बट हाउ मेनी टाइम्स यार हमने देखा है इन द पास्ट अचानक से कोई डायरेक्टिव आई कि वापडा का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बंद हो गया. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इज गॉन, सडनली ऑल दोस गाइस आर आउट ऑफ अ जॉब. पोर्ट कासिम एक जमाने में लियारी के बॉक्सर्स को हायर करता था. एंड मैं मिला था एक बार, इंटरव्यू करा था मेहरुल्ला को, हु वाज वन ऑफ लाइक पाकिस्तान ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स एक्चुअली, एंड वी गॉट कॉट अप इन डोपिंग स्कैंडल्स एंड अदर कंट्रोवर्सीज अल्टीमेटली आई थिंक. बट मैं उससे मिला था एंड ही सेड द सेम थिंग दैट मोहम्मद यूसुफ वंस सेड लाइक अ लॉन्ग टाइम अगो, कि वो जहां से आ रहे थे ना उनका मेन एम इन लाइफ बस यही था कि यार मुझे नौकरी मिल जाए और बॉक्सिंग वॉक्सिंग अपनी जगह, क्रिकेट अपनी जगह, मुझे एक स्टेडी इनकम चाहिए. तो देयर एम इज कि यार मुझे ये स्टेडी इनकम चाहिए. एंड देन यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट वापडा बट अदर ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल बैंक, PIA, हबीब बैंक, इन सब ने अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स पिछले 10-15 सालों में बंद कर रहे हैं, फिर से रिवाइव कर रहे हैं, और भी बंद हो चुके हैं. कितने कितने आते थे और बंद हो चुके हैं. क्रिकेट में हम कहते हैं कि यार डिपार्टमेंट्स नहीं चाहिए हमें, वी नीड रीजन, एंड दैट्स फाइन. बट इन अदर स्पोर्ट्स यू स्टिल नीड दिस काइंड ऑफ सपोर्ट. अभी आप, तुमने पहले रेज करा कि इसे 1 करोड़ से अभी मिल जाएंगे. अगर अरशद नदीम अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में, अगले एशियन गेम्स में उसे मेडल नहीं मिलता है, और है इट्स लाइकली दैट इट हैपेंस बिकॉज आप हर गेम में नहीं जीतेंगे और आपके और भी कंपेटिटर्स हैं, अच्छे अच्छे कंपेटिटर्स हैं, नॉट लीस्ट नीरज चोपड़ा, वो नहीं जीतता है, विल यू सपोर्ट हिम देन? उस वक्त उसके लिए वही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी या नहीं? दैट्स द थिंग, लाइक एंड दैट्स द डिफरेंस नाउ विद अ प्लेस लाइक इंडिया, दैट नीरज सिल्वर इज स्टिल अ मैसिव अचीवमेंट at any level, really. It's still a massive achievement, but he can expect to go back and pretty much work in the same way to the same level that he has been working. Uski na to koi funding khatam hui kahin se, nobody will pull him down. He will continue and he will try and again go for gold at the next big event that he goes to. Arshad Nadeem ka aapko baaki mein nahi maloom hai, government change ho jati, koi aur aa jata hai, phir kya kya hoga uska, who knows? Neeraj ki baat agar hum kar rahe hain, I don't have a television, तो बहुत सालों बाद हाल ही में for a variety of reasons I was exposed to Star Sports again. And I missed the way they would be hyping up Indian cricket की magnificent Manindra or whatever किस्म के जो उनके alliteration वाले होते थे. And इस दफा भी I wasn't disappointed. They were promoting an all India PUBG tournament and the tagline was, I kid you not, उंगल मास्टर. आई ब्रिंग दिस अप क्योंकि जो भी बात ये की थी कि इंडिया में हमारे सामने पिछले 15-20 साल से नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स में इतनी भारी इन्वेस्टमेंट हुई है, इतनी भारी इन्वेस्टमेंट जारी है, राइट? दैट या लाइक मे लाइक इफ नीरज डिडन विन इट, समबडी एल्स वन, लाइक व्हेन नीरज वन हिज मेडल इन प्रीवियस गेम्स, या कोई और इंडिया की तरफ से गोल्ड जीतता है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक ओ दैट्स अमेजिंग, बट इट्स ऑल्सो नॉट वेरी सरप्राइजिंग, राइट? क्योंकि एटलीस्ट मे बी 20 साल पहले होता तो वो था कि यार देखो ये वो, बट अब तो ये है कि नजर आ रहा है दूर बैठे पे कि बहुत सारी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट चल रही है. कबड्डी लीग के ड्राफ्ट की एड आई जा रहे थे स्टार स्पोर्ट्स पे, एंड लाइक इट्स अ बिग इवेंट, हैव मल्टीपल टीम्स, प्राइवेट ओनर्स, ये वो. ये स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक दफा जब एग्जिस्ट करता है तो इसका, यू सीन दैट इन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया और चाइना और अमेरिका वगैरह, कि वो फिर उसके आपको बहुत जल्दी जल्दी ओवरलैपिंग, या क्या, आई फॉरगेट व्हाट द राइट टर्म इज, कैस्केडिंग किस्म के बेनिफिट्स हो रहे होते हैं, वेयर पीपल आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, देयर शेयरिंग रिसोर्सेज, देयर शेयरिंग इनसाइट्स, वर्सेस इवन दैट लिस्ट के जो हर्षद नदीम की मदद की गई थी उसमें आधी से ज्यादा चीजें तो ऐसी थी कि जी IOC या IAAF की तरफ से ग्रांट था तो उसे मॉरिशस भेज दिया या फलाना भेज दिया. अगेन ब्रो, दैट्स नॉट समथिंग इन हिज ओन कंट्री, एंड दैट्स व्हाट ही इज अप अगेंस्ट, राइट? लाइक कि वहां जब उंगल मास्टर वाली बात इज फनी, वेयर इट्स आल्सो
the fact that all that money is being grown into developing local athletes, local sports, local stories around local sports, etc. जो जितनी भी उसकी सक्सेस हो या ना हो, बट वो एक एफर्ट हो रही है और एक पॉइंट पे आपको उसका रिटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा. और पाकिस्तान में अभी भी, यू नो, अगेन मैंने जब अरशद की फोकसीनेस मेंशन की, ऑब्वियसली द इंडिया पाकिस्तान एंगल इज बाय फार एंड अवे द बिगेस्ट वन ऑफ इट. और अब, यू नो, इट्स वेरी इन वन वे इन्फ्यूरिएटिंग बिकॉज वंस अगेन अरशद अलाउज पाकिस्तानी टू स्टार्ट मेकिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपेरिजन्स. और क्रिकेट में तो वो हमें अंदाजा है ही है, बट ये बाकी खेलों में तो मतलब, यू नो, इट्स नॉट इवन इन द सेम लीग. एंड दैट्स व्हाट, यू नो, यू सी दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जी एथलेटिक्स में सपोर्ट है या नीरज को सपोर्ट है या फलाना है. इट्स दैट इट्स ए डेकेड लॉन्ग, इफ नॉट लॉन्गर, मल्टी स्पोर्ट्स, मल्टी बिलियन, मिलियन एटलीस्ट इफ नॉट बिलियन काइंड ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट यार दैट. एक एक छोटी सी मिसाल विच स्ट्रक मी रियली इन दिस इन ये जो पेरिस ओलंपिक्स थी, एंड आई एंडेड अप वाचिंग अ लॉट ऑफ द ओलंपिक्स और स्पेशली द एथलेटिक्स बिकॉज़ इट वाज ऑन एट द राइट टाइम और यू नो वगैरह वगैरह चीजें हो रही थी. आई डिडंट वॉच द डाइविंग और द ब्रेकिंग बट आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ द एथलेटिक्स. छोटी सी मिसाल है इंडिया की जो ग्रोथ हुई है ना इन द 3000 मीटर स्टीपल चेस विच इज लाइक अ रैंडम इवेंट राइट. स्टीपल चेस वो आप उछलते हैं हर्डल्स के ऊपर, पानी में भी कूदते हैं आप, फिर उसके भागते हैं. 3000 मीटर स्टीपल चेस फाइनल में देयर वाज एन इंडियन रनर अविनाश साबले, एंड लाइक ही डिडंट फिनिश अमंग द मेडल प्लेसेस. यू नो ही लेड ब्रीफली फॉर लाइक अ लैप एट द स्टार्ट एंड आई थिंक ही फिनिश्ड 11th. बट लाइक डूड दैट्स ही इज एन ओलंपियन नाउ हु गॉट टू द फाइनल ऑफ द ओलंपिक्स 3000 मीटर स्टीपल चेस एंड यू नो he didn't do that great this year but maybe next time he goes three places better. Maybe somebody watches him, maybe there's like an army of 3000 meter runners coming out from India, you know, middle distance runners वहां से आ जाएंगे. लाइक इट जस्ट स्ट्रक मी एज रियली लाइक यार इनके 3000 मीटर स्टीपल चेस के फाइनल में भी एक इंडियन एथलीट है विच इज फिनोमिनल. पीपल प्रॉबली हैवन हर्ड ऑफ हिम बट ही इज देयर. रेसलिंग में देवर यू नो डिनाइड अ गोल्ड फॉर वन ऑफ द मोस्ट compelling stories of the games. Vinesh Phogat denied a gold by like 150 grams, crazy. And her story is like absolutely insane, which also shows कि यार इंडिया में भी अभी भी systemic problems हैं. Like you know the chief of the wrestling federation accused of multiple cases of sexual harassment and allegations, and her whole story is absolutely insane. But wrestling में they were almost odds on for like, well, they were odds on for like a bronze or at least a silver or something, you know, वो तो उन्हें मिलना था. कहीं कहाँ कहाँ से उनकी आ रही. हॉकी टीम बैक अगेन, पिक्ड अप द ब्रॉन्ज दिस टाइम राउंड. दे गॉट शूटर्स. उनका ये लेवल हो गया कि बैडमिंटन में वो मेडल नहीं जीते हैं तो डिसअपॉइंट होते हैं. वो एक्टिवली कहते हैं कि यार तुम लोग फेलियर्स हो बिकॉज यू डिडंट इवन विन अ सिंगल मेडल दिस टाइम. यू नो सो दैट काइंड ऑफ व्हाट वी हैव बीन सीइंग फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स इट्स बीन कमिंग टू फ्रूट इन द लास्ट I would say maybe 2-3 Olympic games, you know, and they have shown कि यार अगर आपके पास obviously पैसा हो, sponsorship है, उनकी market इतनी बड़ी है कि पैसा हो ही जाता है, but you know having that much money and still being like these federations are all also like you know they don't function as well as they should over there as well, but उनकी एक bottom line accountability है कि we have to produce athletes who go to the Olympics and justify the fact that we are a sporting superpower or we want to become a sporting superpower. You have to justify that. आप अगर नहीं करोगे तो there will be accountability at some stage. That is something that is completely missing in almost every sporting federation in Pakistan because you and I both know why. अब मैं अगर ज्यादा बोलूंगा तो you know we'll go off air even as we speak or whatever. But you know there's one institution that runs a lot of sports federations in Pakistan. And that has in the past been beneficial, I think, to Pakistan at some level. But I really think you need now people running federations who know something about running an institution and running and managing like a firm, managing a company. You really need people now. It's stupid for me to even say it because it's so obvious. I mean, I think जो लोग चला रहे हैं स्पोर्टिंग बॉडीज पाकिस्तान में, उन्होंने कांट फॉल्ट देम फॉर ट्राइंग देयर हैंड एट डाइवर्स
फर्म्स डेफिनेटली वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर पोर्टफोलियो. कोशिश तो सब की है, उसमें कोई शक नहीं है. और बट मैं यही कहने वाला था कि अगर अभी आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, चाइना में, लाइक ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस दिस टाइम अराउंड, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ऑलमोस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ यू नो दे स्पेंड ऑन देयर ओलंपिक प्रोजेक्ट्स व्हाट दे वुड स्पेंड ऑन डेवलपिंग मे बी लाइक अ न्यू मिसाइल और समथिंग, लाइक अ न्यू फाइटर जेट और व्हाटएवर. लाइक यू नो उनकी कॉस्ट तो क्रेजी हाई होती है, बट लाइक माय पॉइंट इज दे स्पेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट? और ये हर एस्पेक्ट में है. और आई थिंक जो गरीब मुल्क जब भी कोई जीतते हैं कुछ, यू नो यू सी दैट अ लॉट ऑफ कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन और व्हाटएवर, वो दो तीन स्पोर्ट्स में उन्होंने पकड़ लिया है जिसपे वो अच्छे हैं और वहीं से उनका कुछ हो रहा होता है. और उन कंट्रीज में कोई मतलब ये किसी का तजुर्बा हो कि ग्लोबल लेवल यू नो कटिंग एज कॉर्पोरेट फर्म चला रहे हैं, दे डोंट हैव लॉट ऑफ दोस रिसोर्सेज, अगर वो अवेलेबल हैं भी, देयर प्रोबब्ली मोर नीडेड इन रनिंग द सेंट्रल बैंक और यू नो लाइक समथिंग मोर इम्पोर्टेंट लाइक दैट. तो आपके पास एक तो जस्ट दैट एग्जीक्यूटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल टैलेंट मौजूद ही नहीं है, ना ही आपके पास इतने पैसे हैं कि मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में यही है कि आपके पास यू नो यू आर गुड एट समथिंग एंड यू हैव अ लॉट ऑफ लाइक प्लेसेस वेयर यू कैन ट्रेन एज एन एमेचर, क्लब्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके लोकल कहीं अवेलेबल है इंस्ट्रक्शन वगैरह, और फिर आपके पास एक प्रोफेशनल लेयर अवेलेबल है जहाँ पे वो पर्सन देन नाउ इज मेकिंग देयर लिविंग थ्रू दिस स्पोर्ट, राइट? एंड लाइक इवन व्हेन यू टेक अवे लाइक द बिग नेम स्पोर्ट्स इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, मतलब रैंडम किस्म की भी स्पोर्ट्स की लीग्स या फिर बड़ी स्पोर्ट्स की बिल्कुल छोटी मोटी लीग से भी लोग एक प्रोफेशन निकाल सकते हैं. मे बी नॉट अ ग्रेट स्टाइल ऑफ लिविंग बट दे कैन डू दैट. वर्सेस इन पुअर कंट्रीज लाइक यू हैव टू योर लेवरेज इज के आइदर योर नथिंग और योर दिस वन वे फॉर योर कंट्री टू गेन इंटरनेशनल प्रेस्टीज. मतलब आई Everything मीन is on. इट्स या वो तो सम सो यू बेसिकली हैव टू बी लाइक समहाउ जस्टिफाई कि वाओ आई एम इनक्रेडिबल इनफ that my poor country needs to divert resources and its extremely shoddy organizational expertise towards supporting. और ये करना मतलब यू नो बहुत सारे मुल्कों में तब भी यही होता है कि वो चलो अपने मुल्क का होते हैं बट वो मुल्क चले जाते हैं अमेरिका या यू नो समवेयर इन यूरोप व्हाटएवर एंड दे बेस देमसेल्व्स देयर एंड दे ट्रेन देयर एंड यू नो दे फ्लाई देयर कंट्री फ्लैग व्हाटएवर, बट कम्पीट करना वरना इम्पॉसिबल हो जाता है. हाँ That's if you're going to be winning world titles or Olympics and you're not from the global north, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि या तो इंडिया की तरह कि अब आपकी पूरी एक स्टेट लेवल यू नो अक्रॉस सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट हो रही है, और इंडिया में स्पोर्ट में इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से होती भी आ रही है, लेट्स नॉट यू नो पेंट इट हाँ लाइक इट हैपेंड दिस यस्टरडे, और या फिर आपके पास है कि यू नो मे बी लाइक इन स्मॉलर कंट्रीज वेयर देयर्स यू नो यू समबडी वन अ गोल्ड मेडल, लाइक लेट्स से लाइक जमैका की जो ट्रैक एंड फील्ड लेगेसी है, वेयर ओके दैट स्मॉल कंट्री कैन डेवलप अ लॉट ऑफ टाइम एंड हाँ एफर्ट इन टू दैट, ओके दिस इज अ वे दैट आर एथलीट्स कैन बिकम ह्यूज, लेट्स पुट सम टाइम एंड एफर्ट इन टू दैट, बट यू नो जमैका कांट कम्पीट विद द यूएस और चाइना ऑन अक्रॉस द मेडल टेबल. तो कहने का मेरा मकसद ये है कि किसी भी ग्लोबल साउथ में कोई लेगेसी बनने के लिए भी वो ज्यादा से ज्यादा वो एक दो खेलों में ही कर पाते हैं, क्योंकि लाइक इट्स लिटरली क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल एथलीट इज लाइक क्रिएटिंग लाइक अ वेपन सिस्टम और क्रिएटिंग लाइक एन इंटरनेशनल हाँ मल्टीनेशनल फर्म और समथिंग, इट्स दैट डिफिकल्ट. तो उसमें फिर अरशद का आपको और भी दिमाग आपका फट रहा होता है कि मतलब बेसिकली यू नो मियाँ चन्नू से अगर कोई बैठे बैठे starts like a mobile making company that's like competing with Apple. You're just like के यार ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, this should not be And out happening. competing after. Yeah, I mean I don't know how far to go with that analogy, but Yeah, like but like the dude, but the more you think about it, हम लोग उसी बात पे वापस आ रहे हैं कि यार, and this is what I'm trying to like get my head around, and I will never get my head around it, and I wrote also that I hope it never sinks in, because I don't want to rationalize this also after a while, because इसने जो करा है ना अरशद दीन, like just think about everything that he's up against,
यार ही अब इंग्लैंड जैसे मुल्क में ओलंपिक्स की फंडिंग, अब बिग पार्ट ऑफ द फंडिंग ऑब्वियसली गवर्नमेंट से भी आती है, बट इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम लाइक द नेशनल लॉटरी हियर, एंड द नेशनल लॉटरी रेजेस लाइक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पाउंड्स एवरी वीक, व्हिच इट देन गिव्स टू यू नो चैरिटेबल कॉजेस, एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ इट टू सपोर्ट इंग्लैंड, व्हिच देन डाइवर्ट्स इट टू ओलंपिक फंडिंग. इंग्लैंड हैज हैड अ ग्रेट, ब्रिटेन हैज हैड अ ग्रेट ओलंपिक्स टूर्नामेंट, यू नो दे वन अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन, गोल्ड भी जीता है, बहुत सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल, इट्स अ होल काइंड ऑफ मशीनरी, होल सिस्टम सेटअप. यूएस में भी अलग किस्म का सिस्टम है, बट सिमिलरली यू गेट मनी. पाकिस्तान की भी फेडरेशन को ओलंपिक्स पैसा देती है, दैट्स व्हाई स्पोर्ट्स वांट टू बिकम ओलंपिक स्पोर्ट्स, बिकॉज देन दे एक्सेस, दे टैप इनटू ओलंपिक मनी एंड यू गेट दैट मनी. ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान इट गेट्स मिसयूज्ड एंड इट डजंट गेट यूज्ड इन द राइट वे, बट दिस इज द थिंग इन दिस डे एंड एज इन 2024 विद एवरीथिंग दैट वी नो अबाउट स्पोर्ट्स साइंस, अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट ट्रेनिंग मेथड्स, अबाउट प्रोफेशनलिज्म, जस्ट अबाउट एवरीथिंग. You have a guy who's coming from a country with zero culture and really zero infrastructure for his sport. Yeah, 10 साल पहले उसके पास जैवलिन नहीं था, वो बैम्बू, उसने खुद आबिद के इंटरव्यू में बोला था कि बैम्बू स्टिक को उन्होंने जैवलिन बना के वो फेंकता था. उसके पास ये नहीं था. 10 साल पहले he couldn't hit 60 meters. He hit 56 meters in his first throw that he did जब वापडा की ट्रायल्स पे गया था और कहा था कि नहीं मैं एक महीने बाद, मुझे आप एक महीने का टाइम दे, आई एम गोना कम बैक एंड आई एम गोना हिट 60 and that's when you're going to take me seriously. And he did that. So, you know, and he doesn't have facilities to go into. Abid, again, Abid ki piece mein beautiful little description of like the gym that he was working in 41 degree heat. Injury se wapas aaya tha. The dedication of his coaches and his mentors. Lekin, for him to win, it's literally like that word Tiananmen Square ki square revolution ki jo famous image nahi hai. Wo banda khada hua hai tank ke aage. ये बेसिकली अर्शद अदीब टैंक के आगे उसने टैंक को और टैंक की आर्मी को हरा दिया. दैट्स व्हाट ही इज डन. ही इज लाइक सेड स्टॉप, लानत तुम सब पे, मैं तुम्हें हरा रहा हूँ. दैट इज हिम. ये उस लेवल की डिफरेंस है इन फंडिंग, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन एवरीथिंग. सो फॉर हिम टू ओवरकम दैट, इट इज लाइक अ ग्रेट एंड वेरी वेरी ओलंपिक स्टोरी. यू नो ओलंपिक्स लव स्टोरीज लाइक दिस कि ये कहाँ से आया है. एंड You could hear, you know, one of the beautiful things, uski commentary, ek to jo commentary us throw ki hai, Arabi mein bhi hai, English mein, Australian mein hai, Angrezi mein, like English mein hai, American mein hai, and you listen to it in every language, and Arabic to obviously is like just out of this world, it's like the greatest, you know, you don't understand any of it apart from, Ya Allah, Pakistan, Pakistan, Ya Allah, and all that. Magar jo Angrez commentary thi, you know, just everyone, you could tell, or tumne early on, you made a really good point, के यू नो जब जैवलिन कोई फेंकता है, यू कांट टेल फ्रॉम सीइंग के हाउ फार इट्स गोना गो, यू हैव नो आइडिया. एंड आई वुड थिंक अगेन 99% ऑफ पीपल हु वॉच जैवलिन थ्रो, दे हैव नो आइडिया ऑफ हाउ फार दिस थ्रो इज गोना गो, एंड द ओनली वे ऑफ नोइंग इज द कमेंटेटर्स हु आर यू नो एक्सपर्ट्स एंड दे हैव एन आइडिया, दे आर देयर ऑन द सीन, दे नो. इसने जैसे ही अपनी थ्रो फेंकी है ना, एज सून एज इट लेफ्ट हिज हैंड, विद इन अ सेकंड, एटलीस्ट ऑन द बीबीसी कॉमेंट्री, द गाय वॉज लाइक डैम, there's something happening. This is like, this is big. This is enormous. This is so massive. It's gone on holiday. It's looking like it's going to shatter. Oh my God. I'm sure it has shattered the Olympic records. Uski jo ek awaaz mein wo tha na, ek WTF jo tha. It was just one of the, and that's what you like, that's what you love the Olympics for. Ke ek, we know Arshad Nadeem. We know ke wo Pakistan ka best javelin thrower hai, and he was a genuine medal hope. You and I know this because we're Pakistanis. Other Pakistanis would also have known this. Rest of the world does not know who the hell he is. And even these commentators would have known a little bit about him, of course. They'd be like, hey, haan, Commonwealth gold medalist hai, world athletics mein. But nobody's expecting him to do this. Aur usne jab kara hai na, you can just sense the complete, like, the shock, the overwhelming shock of most people in that stadium. Usne ek bahut hi achhi camera angle from the crowd uski throw ki hai, wo pehli wali. Maybe it was a Pakistani guy, I don't know. Mobile phone dur se hai, but you can hear like the audible gasp around him when people realize. Srinath from Bits and Pieces. I think that's the podcast. Our ex-colleague Srinath, who's now with the IOC. Srinath to... Right, yes. I believe that's him. Him in that or... video, like, his reaction is amazing because... And well, you can hear the gasps around him. You know, like, oh... Damn. And there are people there who don't know the javelin ke kya kitna dur hai. And they're like, this guy has done something amazing, you know. And that is like what really
it gets you right in the heart, it gets you right in the feels. बच्चे कहते हैं, it gets you right in the feels. यार ये इस बंदे ने क्या कर दिया, इट्स जस्ट प्योर स्पोर्टिंग फीट, एंड देन यू एड द लेयर ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि कहाँ का है कहाँ का, एंड इट जस्ट बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर. आई हैव लॉस्ट द पॉइंट ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग, आई गॉट कॉट अप इन दिस. इट वाज जस्ट, इट्स गोना रिमेन वन ऑफ माय ऑल टाइम हाईलाइट मोमेंट्स ऑफ व्यूइंग स्पोर्ट्स एवर. सो आई थिंक बिल्डिंग ऑफ दैट, मैं रेहान से अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, मुझे किसी और बात में ही टोल्ड मी द स्टोरी कि देयर इज दिस स्पिनर, इंटरनेशनल बॉलर, और दो एंड से स्पिन लगी हुई थी और द पिच वाज बिहेविंग वेरी डिफरेंटली फ्रॉम आइदर एंड, और इस स्पिनर को काफी मार चार पड़ चुकी थी. तीन ओवर में 2020 का मैच था, एंड ही वाज काइंड ऑफ फीलिंग यू नो ड्रिंक्स ब्रेक में ही वाज लाइक कि यार पड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड यू नो द ब्रेन ट्रस्ट इन द टीम वाज लाइक ओके लेट्स गेट हिम टू स्विच एंड्स. He switches ends and he takes like crucial breakthrough. Two wickets leta hai wo, kills off the chase, you know, wins the match hai wo. And Rehan was like, he came back later and said to Rehan ki yaar ye jo chaska tha na, that this pleasure of like what I just did, like that's why I come back. There's no other thing motivates me, the money, this is that, it's this. Yeah. That ke I was down and then I turned it around. And I feel, you know, the Rehan was talking about that, like, you know, how that drives athletes. But I think also, as you just said, like, right, it drives fans as well. It drives us as, like, sports journalists. Okay? I think the reason that you're attracted in the first place is that there's these moments where puri jo bhi society ke rules hain, jo expectations hain, jo aapko abhi tak pata tha, wo aapke saamne tootta hai, right? And all of a sudden, the future is free to be written, as you said so beautifully. It's like the first splash on a blank canvas, right? What we witnessed. And you're kind of, whether foreign samajh aata hai, kuch waqt lagta hai samajhne mein, ki ye ek aisi cheez hai jo kabhi nahi hui. And the enormity of what that means. And I think that part of it, ke sports can do that. That somebody who's coming up against all these different odds, something that if you pitch as a story, would be rejected, ki yaar, come on, this is so silly. Like, you read like some Pakistani English novel about like the cobbler's son. So, nothing wants to be an Olympian javelin. You'd be like, gross, this is so cringe. Yaar. Kyun likhte hai aise? It's one of those plots. It's so bad. And the fact that it's real, I think, isi wajah se aap phir wapis aa rahe, right? Like, or I think. It's so like sports' ability to create narrative at a level of an epic instantly, right? Ke aap matlab jo epic of Gilgamesh wagaira mein jis level ki baat ho rahi thi, wo aapki aankhon ke samne nazar aa raha hai. And in that way, I feel, you know, ke cricket mein koi cheez ho rahi hai, to wo samajhna, it isn't an easy sport to understand immediately. No, You can understand the six or whatever, but wo ye ke javelin is so ancient that. It's got that, you know, pre. It's like older than the written word level, right? Like, you know, the biggest thing. Ek throw hai, wo sabse dur gayi hai, to yaar, that's impressive. वो ये कहते हैं उसमें कोई चीज नजर आना, और I think जो एक ये चीज के sports में कोई ऐसी incredible चीज हो, दूसरा कि वो जो लम्हे होते हैं, as you said, right, like where. Regardless of whether you get the sport or not, what happened at the Stade de France where for a second everybody was like, oh! Like that, ke aapko pata bhi nahi hai kya uska context hai, aur aap dekhe and you're like this. You've witnessed it. I feel like that's just, yeah, like that's something for me is always the great thing about the Olympics. I'm never really totally into them, but I'll watch the highlights. It'll reliably be 10-12 aisi cheeze hain jo aap dekh ke kuch nahi pata aapko sport ka. And for a Pakistani to be doing that is. That's the thing, you know, like Olympics or athletics mein generally, like, you know, my memories, you're watching it randomly, aap kahin pe channel flick kar rahe hain, koi athletics aage. One of the things I remember, I'll never forget, is jo triple jump world record hai, Jonathan Edwards ka. I was in England at the time studying, I think A-levels kar raha tha. I was, exams chal rahe the, wo world athletic championship on thi, mera ek din free tha, TV mein laga hua tha. And he pulled off, like, he broke the world record of the triple jump by like 2 feet or something ridiculous. And usne jab
जब कूदा ना वो जब लाइक ही टेक्स द हॉप द स्किप एंड द जंप लाइक आई रिमेंबर इट डिस्टिंक्टली इट्स वन ऑफ दोस इवेंट्स दैट आई रिमेंबर बिकॉज़ ही ब्रोक इट बाय सो मच एंड इट्स सच एन एस्टोनिशिंग एक्ट ऑफ एथलेटिसिज्म दैट वाज लाइक ओ डैम लाइक व्हाट हैज हैपेंड हियर लाइक आई रिमेंबर द 1988 बेन जॉनसन रेस afterwards it became like the dirtiest race in the history of Olympics but one of my first Olympics memories you remember it because you see somebody like Ben Johnson you're like god damn this guy is fast man like 9.79 in 100 meters so this Arshad Nadeem is also he happens to be Pakistani which obviously you connect with more because you are Pakistani but another kid from Sweden watching it maybe like a 12 year old kid who had the TV on in Sweden he would have seen this and he would be like damn I'm going to remember this for the rest of my life And the fact that this guy is from Mia Channu and a gaon outside of Mia Channu, by the way. I just want to interrupt you, sorry, very quickly here to say that when I checked my two days later on Twitter DMs, then a reporter had a message asking for comment from Finland state media. So you're not off. I'm telling you, yaar, it's that kind of moment that some child will sit. Yaar, I'm telling you, some child will sit. 10 years later, we'll see him. He'll say, "Yeah, I saw Arshad Nadeem ki show." Dekhi. The guy beat. Like simple lafzon mein, the guy beat his own personal best and the Olympic record twice. Like his second and sixth throw were both bettered the Olympic record before this. And you know the most amazing of many amazing things was wo jis tarah se taali usne bajayi thodi si on his last throw when the gold was assured and the whole stadium was clapping along with him. And I thought, man, I'm never going to see this day again. Like never. Will one Pakistani guy be commanding and be like the center of attention at the Stade de France? Kab hoga ye? Zindagi mein kab hoga? Ahmer ek itne hallowed stadium mein, itna famous, legendary, world, epic stadium, usme ek Pakistani banda, sab log uski taaliyan baja rahe hain uske liye. Like it's never gonna happen again. And you know, and I know you are also like that. You know, I don't think we have any great kind of nationalistic urge in our bodies, but. Just the WTF of that moment was like, it continues to blow my mind. Ke wo beech khada hua hai aur wo taaliyan baja raha hai and everyone is like, yes, I don't know how to pronounce this guy's name, but I'm going to back his next throw. And he comes up with the goods again. You know, he hits 91.79 on that last throw, which is still a monster throw. You know, Neeraj Chopra, as consistent a guy as he is, you know, wo Virat Kohli type uska scene hai, that he is consistent as hell. 89 wo aise marta hai, jase सो रहा है वो यू नो बट ही इज नेवर हिट 90 अर्शद नदीम हिट 90 प्लस लाइक ट्वाइस इन सिक्स थ्रोज एट द ओलंपिक्स इन पेरिस इन द मिडल ऑफ द स्टैड डी फ्रांस व्हिच लाइक इज जस्ट यू कैन नॉट गेट मोर माइंड ब्लोन देन दैट आई थिंक यू नो स्पेशली फॉर पाकिस्तान वेरी क्विकली यू मेंशनड अ कपल ऑफ थिंग्स द अर्लीस्ट मेमोरीज बेन जॉनसन की रेस के वक्त मैं 4 साल या 5 साल का था आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर इट वाज द फर्स्ट टाइम आई सीन Someone crying for happiness. So I was like, "Ye log kyun rahe? Ye to dekh rahe hain." They're like, "Nahi, beta, kabhi kabhi khushi mein bhi rote hain." I think it took me like 20-30 years to understand that. That's my own issues with happiness. I also was like, "Ki mujhe ye bhi yaad hai ki us zamane mein hockey again 7-8 saal ki umar pe to Pakistan ka Germany aur Holland jaisi teamon se match hota tha to meri ammi hamesha keh rahi thi bichare hamare sookhe sookhe ted pasli wale aur ye dekho kaisa deo hai Olivander aur so to us sense mein bhi mujhe ek bade apni khushi ho rahi thi ki wo duniya jahan ke gore Finnish aur Nordic unse 60-65 bhi nahi tapa ja raha tha बहुत मजा आ रहा था कि ओए होए भाई ये गोरे सबसे ज्यादा फसड़ी है यहाँ पे कंप्लीटली चाइल्डिश बट ऑब्वियसली यू नो दैट्स हाउ यू लेट टू अ स्पोर्ट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट राइट लाइक यू डोंट नो एंड ही आई सेड द नेम इज लाइक जेन्युइनली बिग ही इज लाइक ही इज मैसिव उसके आई मीन बट चेस्ट बड़ा है अर्शद नदीम डेफिनेटली फेल्ट लाइक you know, spot fixing ke baad Pakistan ka ek test bowler jisne UAE mein 2 test misbah ke andar khele the. Like, uska naam hum nahi lenge. Like, you know, he has the hairstyle. Like, you know, I could totally see him being ungainly aur wo ball kara raha hai. Uske thode fir back ke issues the and he's very tall. Kehta hai ki uski pace thi. As a tapia bowler, uski kehta hai ki लंबा सा लंबा भी 125-135 से ज्यादा नहीं कराता था और यू नो इस किस्म का बॉलर लग रहा था लाइक बट
It comes together perfectly as a javelin dude. But yeah, we've pulled off 55 minutes of this episode, which Amazing. even जो आप लोग से पूछ भी रहे थे वो कह रहे थे इट्स ओके इफ इट्स योर 20 मिनट एपिसोड, आप यू नो उनको भी घंटा ये बीस में मुश्किल हो गया, बट वी हैव डन इट. वेयर प्रोफेशनल्स एज वेल, जस्ट सो एवरीवन कैन सी. Putting in that time and effort, pushing against our own records as well, in homage to Arshad Adib. क्या जबरदस्त कहानी है, क्या जबरदस्त अचीवमेंट है. And I think what I feel we've done a little bit in this show well is पहले क्या होता, आगे क्या होता, वो आप अपनी तरह दिखते रहे, बट इस मोमेंट इट्स जस्ट सो अनरियल, सो अनबिलीवेबल, सो जॉयस. ग्लैड दैट वी गॉट टू एक्सपीरियंस इट ऑल टुगेदर. प्रॉब्ली द लास्ट टाइम इस हाई नोट पे हम कुछ खत्म करते हैं एपिसोड, सो आई होप यू गाइस एंजॉय दैट एज वेल. लॉट्स ऑफ लो नोट्स टू कम सून. वी विल बी देयर With you for those. Well, till then, take care. Love is.